हेलो गाइस बॉयज गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत दिनों बाद वीडियो आई है भाई। मेंटली परेशान चल रहा था यार, बना ही नहीं पा रहा, क्या करूं मैं। आपको मैं दुख दर्द ज्यादा शेयर करता नहीं हूं आप लोगों के साथ, हमेशा चेहरे पे मुस्कान ही रहती है। अभी भी कोई ऐसा कोई खास दुखी नहीं हूं, पर बहुत सारी बातें आज आप लोगों के साथ मेरा डिस्कस करने का मन कर रहा है। डिस्कस क्या, अपने मन की बातें आप लोगों को बताने का मन कर रहा है। और खतरनाक आर्मी तो मैं आपको देखो सिखाऊंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। चैनल पर पहली बार आए हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। बेसिस को अभी हम आपके सामने ठोक के दिखा देंगे। हेम के अंदर एक खतरनाक आतंकी ट्रूप आ गया भाई, लावा लून। और जब से ये आया है ना, कोई और आर्मी इस्तेमाल करने का मन ही नहीं कर रहा। सिखाता हूं आपको इसकी पावर क्या है, कितनी पगलहट आर्मी है ये भाई, बहुत खतरनाक आर्मी है। आइए सीधा शुरू करते हैं, बातों के जवाब भी हम आपको देंगे, बिल्कुल टेंशन आप ना लें। बहुत सारी बातें बतानी है आज, तो फिलहाल अटैक की तरफ चलते हैं। टाउन हॉल लास्ट में है, टाउन हॉल को ही सबसे पहले ले लूंगा मैं। तीन आपको जैप मारने हैं, क्या कहते हैं ये, जो भी इसका नाम है गाइस। वार्डन एबिलिटी अपना आप लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लग जान दो। अब जैसे ही आपका टाउन हॉल आ जाए, रेज पे रेज चलने दो भाई, हीरोज को होल्ड रखो। एक फ्रीज मार देंगे कोर में, लावा लून देख रहे हो आप कैसे डैमेज करता हुआ चल रहा है पूरे बेस को आतंकी तरीके से। हीरोज को होल्ड रखो, पड़े रहन दो एक कोने में, काम आ जाएंगे बाद में इधर उधर डालने के। अभी फिलहाल हमने हीरोज को डाल दिया, किंग और क्वीन को क्या करना है आपको, समझ गए आप। तीन जैप मारो एयर डिफेंस को और उसके बाद अटैक दौड़ने दो। और भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप क्यों नहीं खेला। रिसेंटली हमारी टीम इंडिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में से डिस्क्वालीफाई हो गई। फिलहाल यहाँ पे इसको पहले ट्रिपल मारते हैं, वीडियो के आखिर में उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। बार बार लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, मैंने कभी जवाब दिया ही नहीं कि मोगी भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप क्यों नहीं खेल रहे हो, हम आपको देखना चाहते थे। अरे मैं भी खुद को देखना चाहता था, देख ही नहीं पाया, पर ठीक है, सारी चीज़ों का जवाब दूंगा। फिलहाल यहाँ पे VW टॉम डी जेड को वियतवार का जो ये बंदा है, दो मिनट के अंदर बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हाई ट्रिपल जड़ दिया है। इस आर्मी को मुँह फाड़ के कहीं भी यूज़ कर लो, ये भाई भूत बना देगी बेस का, इतनी ओपी आर्मी है। क्या रह गया इधर, एक ये बिल्डर हटसा रह गया है, इसको उड़ा देते हैं, दो चार ट्रिपल मारते हैं, फिर बातचीत करेंगे कहाँ जाना है हमें। चलो गाइस, लावा लून अटैक करने के लिए हम वापस से रेडी है। ओहो डबल पॉइजन टावर वाला, डेंजरस सा दिखने वाला ये बेस, ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे, एकदम खतरनाक एंट्री लेंगे क्योंकि डर है, जिम कर है। कलावा फट गया, फट जान दो। वार्डन एबिलिटी में ब्लिंप निकालेंगे, तो ब्लिंप बिल्कुल पास होगी टाउन हॉल के। TH को टेक डाउन किया जा सके, मोनोलिथ बचा हुआ है, हीरोज बचे हुए हैं लास्ट कंपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें भी देख लेंगे गाइस। किंग को डाल देते हैं ताकि लावल उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, दरवाजा तोड़ के किंग यहां से अंदर घुसेगा। यहीं से डालेंगे हम अपने रॉयल चैंपियन को, ऑनेंट क्वीन पे डालेंगे पॉइजन, रॉयल चैंपियन का भी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। इधर भी लावा बचे हैं, दो तीन एडेंटर डाल देते हैं भाई। इस गोलम निकल के आ गए, सोच रहे हैं जैसे कि क्या उखाड़ लेंगे वो। अरे भाई कुछ ना उखड़े तुमसे। आरसी की एबिलिटी लगा देते हैं, मोनोलिथ गो वेंट गोन। और भाई इतना खतरनाक सा ये दिखने वाला बेस, समझ रहे आप, कुछ करा हमने इस पे, क्या करा हमने इस पे, हमने इस पे बस अटैक करा है। बेस की हालत देख लो, किंग के पास एबिलिटी है,
क्वीन के पास एबिलिटी है, दो लावालून बच रहे हैं, दुनिया भर के इनके छोटे छोटे बालक बच रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा भाई, कुछ ना बच रहा। एक और बेस देखते हैं लावालून का, ये मिल गया लावालून का बेस। टाउन हॉल को उड़ा दूंगा सबसे पहले इस बार तो मैं इसमें, यही मेरे को सबसे मस्त लग रहा है। और हीरोज को स्टार्टिंग में ही उड़ जाएंगे हीरोज, ऐसा करूंगा या वैसा करूं या जैसा भी करूं, बस ट्रिपल मारूं इसको। चलो ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इधर से जाने देते हैं लावालून को, ताकि स्प्रेड भी हो जाए, डैमेज भी जाए और ट्रिपल भी होए। रोडन एबिलिटी में ब्लिंप निकाल दिए और मैं रेज मारेंगे, एक रेज टाउन हॉल पे मारेंगे अगर ब्लिंप पहुंच गई तो। पर चलो ब्लिंप नहीं पहुंची है टाउन हॉल पे, कोई दिक्कत नहीं, टाउन हॉल को छोड़ देते हैं। अब हमें कुछ और सोचना होगा क्योंकि टाउन हॉल आया ही नहीं है। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हैं, अटैक फेल हो गया? सही सोच रहे हो आप, मेरे को भी यही लग रहा है। पर क्या ये एक्चुअल में फेल होगा, जानने के लिए देखते रहें पापा मोगैम्बो आज तक। किंग डाल दिया है, क्वीन डाल दिए, दूसरे कॉर्नर में रॉयल चैंपियन डाल दिए बचे हुए डिफेंसिस को टेक डाउन करने के लिए। हीरोज की एबिलिटी लग गई है, टीएच आया नहीं है, आ रहेगा, रॉयल चैंपियन आ रही है लावालून की हेल्प करते हुए। एक हेड हंटर बची और अपोनेंट की क्वीन बची और सीसी बाहर आ चुका है। चलो ये भी देखा जाएगा, सीसी नहीं सॉरी क्वीन बच गई है अपोनेंट की भाई, क्योंकि अपने ब्लिंप नहीं पहुंची टाउन हॉल तक। क्या लावालून के अंदर इतनी जान है कि क्वीन को मार सके? आगे डिफेंस को तो निकाल लेंगे मेरे को पता है। तीन आर्चर डाल देते हैं यहाँ पे, देखो फेल भी हो सकता है ये अटैक, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ब्लिंप से टीएच नहीं आया था तो हीरोज लगाने पड़ गए हमको वहां पे, जो कि ऑब्वियसली हमारा प्लान नहीं था। और क्वीन बच गई जिसके वजह से हेड हंटर बचा लेना चाहिए था यार मेरे को, अगर मैं हेड हंटर बचा लेता ना यहाँ पे तो काम हो जाता है ना। हेड हंटर मैंने डाल दिया वो गलती से, तो ये हमारी मिस्टेक रह गई जिसकी वजह से अब इस बेस के बचने के चांस बन गए। सोच रहा बिलिम से टीएच नहीं आया, किंग और क्वीन मेरे दोनों लग गए सिर्फ टाउन हॉल को टेक डाउन करने में। बहुत बड़ी वैल्यू होती है सिर्फ किंग और क्वीन आपके दोनों ही लग जाए टाउन हॉल को टेक डाउन करने में, और उसके बाद भी बेस की कुछ ऐसी हालत हो जाए, क्वीन भी मरेगी अब यहाँ पे, बचेगी तो नहीं। पर हेड हंटर अगर मैंने बचा लिया होता तो बहुत सारे लावा पब बच जाते, और ये अटैक टाइम फेल की तरफ जा रहा है। मुझे लग रहा है फीनिक्स की पावर काफ़ी होगी, पर समय कम पड़ जाएगा बंधु, नहीं मर जाएगा फीनिक्स। 98% टू स्टार। एक और ट्रिपल मार दे क्या, सेंट्रल टाउन हॉल का बेस इतना खतरनाक बेस, ए नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक बेस हमको मिलेगा। इनविजिबल से मेरे को बड़ी दिक्कत है भाई, वो भी टाउन हॉल के बीचों बीच यार इनविजिबल कौन लगाता है? फोन काय कर रहे हो, फोन मत करो, मैं बहुत गुस्से में हूँ अभी, क्योंकि मेरे को बहुत मुश्किल बेस मिल गया है। इनविजिबल को मेरे को ना वो करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। वॉर्डन एबिलिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, एक फ्रीज होनी चाहिए थी। चलो टाउन हॉल आ गया तब भी, अबल इनविजिबल था वहां पे, पर बात बन गई है। मोनोलिथ को निकालने के लिए किंग क्वीन डाल दिए मैंने, उधर वाले बेस को निकालेंगे ये तीन लावालून, इधर वाले बेस को निकालेंगे किंग और क्वीन। मोनोलिथ इधर बचा हुआ है, परेशान कर रहा है गाइस। किंग की एबिलिटी लगा देते हैं, रॉयल चैंपियन डाल देते हैं, उधर लावालून आर्टिलरी को निकाल लेंगे गाइस, और बेस खत्म हो जाएगा।
देखो टाउन हॉल नहीं आया था, उसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वरना यार ये आर्मी आतंकी आर्मी है भाई। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और 40 ट्रॉफी कमाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत पाओ, ठीक है भाई। एक और फाइनल ट्रिपल मारेंगे, उसके बाद करूंगा मैं आपसे बातचीत। आज के फाइनल अटैक के लिए हम तैयार हैं। कुछ इसी तरह का बेस हमसे बच गया था, अब नहीं बचेगा। अब देखो हम कैसे इसकी रेल बनाते हैं। स्टोन स्लैमर निकाल लूंगा, इस बार मिस्टेक ही नहीं होने देंगे। टाउन होल आ गया है, अब अनून चल रहे हैं जोरदार तरीके से, एकदम डैमेज देते हुए बेस को। रेज पे रेज चलेगी, बिल्कुल छोड़ेंगे ही नहीं भाई। अब एक बार बच गया, ये क्या सोच रहा बार बार बच जाएगा, ये तो हीरोज भी नहीं उतारे बेस में। कुछ बस तो जान दो हीरोज उतारने के लिए। चलो गाइस कोशिश करते हैं कि बेस में कुछ बचे। हेडहंटर बचे अपने, स्कैटर शॉट भी गया भाई, अरे कुछ तो बच जान दो। आप कह रहे हो 50% ही तो टूटा है, अरे भाई बेस में डिफेंस क्या बचा है वो तो देख लो। डिफेंस के नाम पे कुछ बचा है, आर्टिलरी बची है। चलो निकाल लेते हैं इसको भी, आरसी डाल के। अरे आरसी गलत जा रही है, उधर का आई जा रही हो आरसी मियां, जान दो। चलो जा रही है तो जाएगी, किंग से जाके भिड़ेगी वहां पे। चलो नहीं भिड़ रही, वापस आ रही है, दिमाग लगा रही है आरसी। फर्स्ट लॉरी बची हुई है गाइस, परेशान कर रही है गाइस। कितनी देर बचेगी गाइस, 1.5 मिनट या 2 मिनट। ग्राउंड स्केलेटन्स आ गई हैं गाइस, ये तो हमको परेशान कर रहे हैं। आरसी मार दी मेरी, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या हो गया, आरसी थोड़ा सा गलत चली गई थी, पहले ही आर्टिलरी पे आ जाती तो वैसे ही खत्म हो जाता। बचेगा तो खैर अभी भी नहीं, पर उतना जैसे ओपी वाला नहीं हो पाया, लेकिन वैसे वाला अटैक है कि छोटी बोट दिक्कत भी हो जाए परेशानी भी हो जाए वो भी। भाई यार ये ट्रिपल ही मार रहा है ये। अभी इस ट्रुप का जब तक कुछ करोगे नहीं ना, लेजेंड लीग में आग लगा के रख देगा भाई। जो बंदा आएगा मुंह फाड़ के इसी से ट्रिपल मारेगा। अब चलते हैं भाई, देखो मुद्दे की तरफ। सो गाइस ये तो हो गई इस खतरनाक अटैक स्ट्रेटजी की बात। अब कर लेते हैं कुछ खतरनाक क्वेश्चंस के बारे में, जो बंदे काफी मेरे को डीएम करके और लिख लिख के पूछते रहते हैं, कमेंट कर करके, मोगी भाई ये तो बता दो, वो तो बता दो, फलाना बता दो, ढिमकाना बता दो। फिलहाल कुछ चीजों के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो की चीजों को मैं अवॉइड करने की सोचता हूं। मैंने कहा चलो कुछ नहीं धरा इन सब बातों में, पर भाई आप भी तो फैमिली हो ना, तो आपको पता होना चाहिए ना थोड़ा बहुत मेरे बारे में भी। तो भाई देखो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बंदों ने मेरे से काफी ज्यादा कमेंट करके पूछा, मोगी भाई आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में काहे नहीं खेल रहे हो, सुमित खेल रहा है, बाकी सारी टीम खेल रही है, आप चीयर लीडिंग कर रहे हो चाचा स्पोर्ट्स को। भाई टीम अपनी है, चीयर लीडिंग तो करनी पड़ेगी ना, अपनी टीम को तो चीयर करना ही पड़ता है, तो लेकिन आप खेले क्यों नहीं? अरे भाई खेलने नहीं दिया गया मेरे को, खेलना चाहता था मैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले भाई एक टीम मीटिंग हुई थी जिसमें सारे टीम मेंबर थे साथ में, क्योंकि टीम के अंदर मैं गाइस न्यू आया था, तो आपस में टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि 5 बंदे ये वाले खेलेंगे, जिस मीटिंग को नरूटो साहब उर्फ तनवर साहब ने हेल्ड किया था, मतलब रखी गई थी मीटिंग, जहाँ पे डिसीजन लिया गया 5 बंदे ये वाले खेलेंगे, जिसमें मोगेम्बो पार्ट नहीं है टीम का। और ये बात के बारे में मुझे बताया भी नहीं, मीटिंग में भी नहीं बुलाया, सीधा जिस दिन मैच है वर्ल्ड चैंपियनशिप का उस दिन बताया जा रहा है। आप तो पार्टी नहीं हो रोस्टर का, काय खुश हो रहे हो? मैंने कहा चलो भाई पार्टी नहीं है तो चीयर कर लेंगे आप लोगों को, आप लोग जीत जाओ। टीम वाले अब भाई देखो कुछ डिसाइड करते तो हम अपने से खुद से बड़ा नहीं मानते, मतलब खुद को इतना बड़ा नहीं मानते कि हम टीम के भी ऊपर है, ठीक है भाई। तो इस वजह से गाइस मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेल पाया। फिर दूसरा मैटर गाइस अब यहाँ पे हुआ KIP के अंदर। KIP अभी टूर्नामेंट चल रहा हमारा हैदराबाद में, जो कि लैन इवेंट होने वाला है ड्रीम हैक का। यहाँ पे तनवर साहब को वापस से पता नहीं कुछ एक ख्याल आया कि यहाँ पे भी मोगेम्बो को बिठा देते हैं और भाई एक बंदा ऐड कर लेता हूँ, उसको डाल देता हूँ मैं। कुल मिला के टीम के ऊपर होल्ड रखने वाली बात हो रही थी, तो भाई इस चीज के ऊपर पूरी टीम ऑफेंड हो गई कि भाई तू बंदे के पीछे क्यों पड़ रहा है, इसके इसने क्या बिगाड़ा तेरा। मेरा कोई जान यार लेना देना ही नहीं है बंदे के साथ, पता नहीं काहे, पता नहीं होएगा भाई कुछ दिमाग में बंदे के। तो
वहां पे भाई पूरी टीम ऑफेंड हो गई, काय को आप इनको मतलब ऐसे कर रहे हो। तो इस चीज के ऊपर गाइस टीम के ऊपर थोड़ी सी बहसबाजी हो गई, जिसकी वजह से नरूटो साहब ने कहा कि अब या तो मेरे को छोड़ दिया, जिस बंदे के साथ बहस हुई उसको कह रहा कि अब या तो तू खेलेगा या मैं खेलूंगा, अदरवाइज टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई करा देंगे, कि आईपी खेलने नहीं दूंगा किसी को भी। तो भाई यहाँ पे तनवर साहब टीम छोड़ के चले गए ताकि टीम डिस्क्वालीफाई हो जाए। किसी तरीके से जो हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर के साथ हमने खेला कि आईपी टूर्नामेंट, उसके बाद गाइस हम दो मैच जीते हुए टॉप पे चल रहे थे, तीन में से दो मैच जीत चुके थे। और फिर क्या एक मस्त घटना होती है, मस्त घटना ये होती है गाइस, हमारा मैच है, जैसे सपोज करो कल मार्कोस ई स्पोर्ट्स के साथ मैच है और परसों मार्कोस गेमिंग के साथ मैच है, तो एक हैप्पी बर्थडे क्लैन बनाया जाता है गाइस, हैप्पी बर्थडे होगा शायद, हो सकता है, तो जो कि नरूटो भाई साहब के दोस्त का बर्थडे था, तो वहां पे हमारे क्लैन की एक आईडी को इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है डीएम करके कि आप हैप्पी बर्थडे क्लैन ज्वाइन कर लो, हेल्प कर दो थोड़ी सी। बंदा हमारा जाता है उधर भाई हेल्प करने के लिए और उसकी आईडी को वॉर में ले लिया जाता है, सीधा 48 घंटे का टाइमर, 24 घंटे प्रिपरेशन, 24 घंटे का वॉर, ठीक है भाई। अरे यार जीत लो ना, ऐसे काय कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ऐसे, ये कौन सा तरीका टीम को डिस्क्वालीफाई कराने का। तो भाई वहां पे हमारे प्ले क्लैन की आईडी को मतलब वॉर में फंसा दिया दो दिन के लिए, जिसकी वजह से हम केआईपी लैन इवेंट में डिस्क्वालीफाई हो गए, खेलने ही नहीं दिया गया। अरे जीत लो ना। अब भाई मैं ये नहीं कह रहा किसी भी बंदे का ये काम है, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पर किसको फायदा हो रहा है यार ऐसे हमको, समझ रहे हो। तो बस ये दो मैटर थे, बहुत मैटर है अगर मैं एकदम डिटेल में जाऊं यार अच्छा नहीं लगता, और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा भाई, कुछ भी कोई भी बात हो सकती है, हो सकता है जो भी है, पर आपको मैंने सिर्फ बस मन की कुछ बातें बताई है। फिलहाल यहाँ पे गाइस हम केआईपी टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हो गए, जिन्होंने पहली बार हमारी टीम किसी क्लैन मतलब टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई हुई है, काफ़ी बुरा लगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल आपको फ्यूचर में गाइस चाचा स्पोर्ट्स क्लैन देखने को मिलेगा नहीं, मतलब हम चाचा स्पोर्ट्स नाम से नहीं खेलेंगे, हमारा क्लैन का नाम गाइस चेंज होने वाला है। बस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था, डिटेल में जाऊंगा तो 30-35 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो बस गाइस आज की वीडियो में रहेगा इतना ही, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चलो पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी, बाय।